यजवेंद्र चहल, ये उस क्रिकेटर का नाम है जो एक नहीं बल्कि दो खेलों में माहिर है। यह अलग बात है कि खेल में क्रिकेट नहीं उसे पहचान और पैसा दोनों दिया है। किसी बड़े मुकाम पर पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। चहल के लिए भी सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन जब किसी तरह से मौका मिला तो चहल अपने मुकाम तक पहुंच गए। यजवेंद्र चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा में हुआ था। चहल के पिता पेशे से वकील रहे हैं। चहल के पिता बहुत पहले से जानते थे कि उसे पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद जरूर थी कि एक दिन उनका लड़का किसी खेल में भविष्य जरूर बना लेगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि यजवेंद्र चहल शतरंज और क्रिकेट दोनों ही खेल में माहिर है। यजवेंद्र चहल एक साथ दोनों खेल खेलते खेलते एक दिन क्रिकेट को भविष्य के लिए चुन लिया। चहल के प्रशंसकों में से बहुत कम को पता होगा कि वो शतरंज के खेल में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तर के टूर्नामेंट खेल चुके हैं। शतरंज के खेल में यजवेंद्र चहल इतने माहिर हो गए थे कि एक बार उन्हें ग्रीस भेजा गया था। बहुत छोटी उम्र में ही चहल शतरंज खेलने लगे थे, लेकिन महंगे खेलों में मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे कहां टिक पाते हैं। पैसों की वजह से ही चहल ने शतरंज खेलना छोड़ दिया। चहल के क्रिकेट की दीवानगी को देखकर उनके पिता ने खेत में ही मैदान बनवा दिया। चहल के लिए सुबह भी इसी मैदान पर होती थी और रात भी इसी मैदान पर। जी तोड़ मेहनत से चहल खुद को मांझने लगे। परिवार के लोग बताते हैं, खेत में डंडे में झंडी बांधकर उसे खेत में दूर लगाते थे, फिर घंटों उसे देखकर बॉल फेंकते रहते थे। चहल की गेंदबाजी में नया प्रयोग बहुत पहले से उनकी आदतों में शुमार है। यही कारण है कि चहल की गेंदबाजी में पैनापन आता चला गया। यजवेंद्र चहल को सबसे पहले अंडर 14 टीम में जगह मिली। ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद चहल को कई मौके मिले, लेकिन असल में मौका मिला साल 2009 में, जब राज्य स्तरीय अंडर 19 के लिए बिहार ट्रॉफी में उसने 34 विकेट झटक लिए। उसके बाद यजवेंद्र चहल को कई मौके मिले और हर मौके पर वो खुद को साबित करते रहे। चहल ने एक बार खुद कहा था कि क्रिकेट में बल्लेबाजों को घेर लेने की कला उन्हें शतरंज के खेल से ही मिली थी। आईपीएल में चहल को साल 2011 में पहली बार मौका मिला। आईपीएल में शानदार गेंदबाजी ने उन्हें फिर से नई पहचान दी। शानदार गेंदबाजी की यजवेंद्र को यहां से एक नई पहचान मिल गई। यजवेंद्र चहल साल 2011 में घरेलू क्रिकेट में खेलने लगे, लेकिन 6 साल के लंबे अरसे तक यजवेंद्र को सिर्फ 20 मैच में ही मौके मिले। इसके पीछे का कारण यह था कि चहल जिस टीम से खेलते थे उस टीम में पहले से ही अमित मिश्रा का जलवा चल रहा था। देर तो जरूर लगी, लेकिन चहल को साल 2016 में टीम इंडिया में हिस्सा बनाया गया। टीम इंडिया जिम्बाब्वे के दौरे पर थी। यजवेंद्र को सीरीज में मौका मिला, फिर T20 में भी मौका मिला। टीम इंडिया को अनिल कुंबले के बाद एक धाकड़ लेग स्पिनर की जरूरत थी। चहल ने इसे पूरा कर दिया। साल 2017 में यजवेंद्र ने इंग्लैंड के खिलाफ 2020 मैच में कमाल कर दिया। एक मैच में 6 विकेट झटक लिए, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया। यजवेंद्र चहल हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि बल्लेबाजों को कैसे आउट किया जाए। इसके लिए चहल हर एक तरीके से बॉल फेंक कर बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश करते हैं। चहल को उसके साथ ही चुलबुले चहल के नाम से जानते हैं। उनकी दोस्ती हमेशा चर्चाओं में रहती है, कभी अपनी टीम के खिलाड़ी के साथ तो कभी किसी दूसरी टीम के खिलाड़ी के साथ। ड्रेसिंग रूम में मैच के दौरान चहल कोहली और धोनी को भैया के नाम से पुकारते हैं। चहल के चाहने वालों की लिस्ट अब काफी लंबी हो गई है। कुछ कुछ दिनों पर चहल सोशल मीडिया पर भी ट्रोल होते रहते हैं। चयनकर्ताओं के चहेते यजवेंद्र चहल को अगले विश्व कप के लिए अभी से तैयार होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वक्त वक्त पर चहल खुद को साबित करते रहते हैं। 2018 के शुरू में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। टीम इंडिया को चहल के प्रशंसकों को उनमें अभी क्रिकेट की अपार संभावनाएं दिखती है। इंतजार है विश्व कप 2019 का, जहां चहल की बॉल चलेगी, ये उम्मीद सबको है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMF न्यूज़।